अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग, आज हम सुनने वाले हैं भाई इस गाने का, तो इतना मेरे को आया ना, वाकई में बोला लोगों ने कि भाई ये सुन, ये सुन, ये सुन, ये सुन। मेरे को समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये सीन आने शुरू हो गया कि तलहा अंजुम का भाई है और उमर अंजुम, वाह वाह बड़ी गाल की थी, तो उसका ये ट्रैक है ब्रो। अच्छा सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं यार, मुझे पता तुम लोगों ने आगे कर देना, मेरे को लोड़ा भी नहीं तुम लोगों ने इज्जत देनी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सुन लो बात बड़ी जरूरी है। काफी लोगों ने ये कहना कि भाई ये नेपोटिज्म है, अंधुम का पाजिया है, तो भाई यार ये तो उसके नसीब है, सीधी बात है, ये उसके नसीब है। अब वो उधर पैदा हो गया, उसका भाई बन गया, तो मेरा तो नहीं कसूर, समझ रहे हो ना, ये मेरा तो नहीं है कसूर। कसूर तो फिर शाम दरीज का, जिसकी बच्ची इतनी सी है तो उसके 1 लाख फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। अबे जाओ भोसड़ी वालों, जाओ जाओ काम करो, ओह हो इतनी सी बच्ची माशाल्लाह और उसके 1 लाख फॉलोवर, अभी उसको बोलना नहीं आया, अभी वो तू 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 ता 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 पे फंसी हुई है। मैं कहा यार जिंदगी बस, मैंने कहा नहीं, मैं दही की दुकान खोल लेनी है, मैं नहीं खेलता। खैर तो काफ़ी लोगों के जहन में ये चीज़ आएगी, क्योंकि अब आनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैपर्स हैं, उनको इतनी इतनी पहचान नहीं मिल रही, बहुत मेहनत करें, जैसे तैमूर बेग, अगर मैं प्रोनाउंस गलत नहीं कर रहा, अब पहचान आने शुरू हो गई है उस बंदे की, अंजुम का अक्स कहा जाता है उसको, ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर तो भाई वो पैदा हुआ बादशाह के कारण, शहजादा कहलाएगा ही कहलाएगा, तो उमर जानी हमारे पास दो उमर हो गए हैं यार, एक उमर खान हो गया, उमर खान है ना उसका नाम, कि मैं ना ला लिया खान। तो खैर बिना टाइम जाया कि हेडशॉट 101.0, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर टेक्निकल लोगो जी, अंजुम उमर अंजुम का पहला ट्रैक यस कमांडो। भरोसा किस तरह तुम लोग भी एकदम ना कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो, एकदम ही हिप हॉप की नॉलेज नहीं, मनु नहीं पता की करा मैं। शो में तो ताक और आज़ाद दिमाग लगी है आग, स्टेप इन द गेम कर दूंगा राग, कि ऐसी वो पंजा फेंकता हूँ आग। यार मेरे ख्याल से वही बात कर रहा है, लेकिन हो सकता कुछ और भी। ना फेंकूंगा आग उस ताक गेम का बाप, शाना टू हिम कभी छोड़ा नहीं साथ, काली काली रात में बैठूंगा फोन साथ, एक रात पर लिखूंगा दिमाग मेरे हाथ में, आते हैं बंद सिर्फ पीटे सुनाई दे, कराची को नीरा बस चीखे सुनाई दे, अलग सा शहर अलग ही वाइब, बेस को थोड़ी है कराची वाली वाइब, रात चढ़े लौटे बाहर घूमते हैं सारी रात, फोन कर ब्लूटूथ बजे वाले ऑन द लूप, आई वाज जस्ट फक्ड अप, आई वाज जस्ट डाउन बैड, जे आई डी देखो मैं डाउन बैड, हम थोड़ी डाल जरा 151 जा रहे, चटाके तो मार जरा मुंह के फायर में था अगर मैं गलत ना हूँ, तो हाँ जी आई डी शॉर्ट आउट ठोक रहा है। पतली बोली उस पे मुचरे कमर इनकी पतली क्रीमे लगा के करे रंग अपने गोरे टिकटॉक पे कमर छटक रहा छोड़ दे लोड़े हाजिर है, फेक रैपर्स हाजिर है, लूंगा इनके हेडशॉट्स, भाई तेरा हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है,
भाई तेरा हाजिर है। ये लास्ट वाली लाइन मेरे ख्याल से वो एक है टिकटॉक, क्या नाम है उसका, एक था कोई मेरे मीम आई थी, उसने कोई अंजुम की लाइन मेरे ख्याल से इस्तेमाल की थी अपने वो लोल चैनल के है वो यार जहाँ पे सिर्फ टिकटॉकर्स ही आते हैं, वहाँ पे ना उसने अंजुम की लाइन इस्तेमाल की थी, कहता मैंने खुद नहीं खरा मेरा लंदन पकड़ ले पैर ये का। तो खैर यार मुझे ट्रैक वाकई में अच्छा लगा यार, ये अंजुम की वजह से नहीं, मैं अंजुम तू मेरा भाई तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, नहीं भाई नहीं इसके अंदर है ब्रो। लेकिन मेरे को एक चीज़ लगी ब्रो, इतना सुन बैठा हुआ ना जो इन लोगों की वजह से बड़ा मैं कर्जदार हूँ इन लोगों का, अपने मुल्क के और इंडिया के रैपर्स की वजह से, मैंने बाहर के बहुत ऐसे रैपर जो मैं नहीं सुनता था मैं सुनना शुरू हो चुका हूँ, मतलब मैं ये आलम आ चुका है मेरी ज़िंदगी के ऊपर कि मैं अब वो क्या है, वो यार वो रंग बिरंगी आत्मा पंप चाचा और गुचिंग है वो भी सुन रहा हूँ, तो मैं छुपक रहे मैं कहा तू भी आ तो सारे ने सुन, तो इतनी मेरे अंदर सेंस हो गई हुई है, मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा कि यार इसने पोज बोल लिया गाने के अंदर, मतलब रुक रुक के, इसमें कोई बुराई नहीं है सारी ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा मिसिंग सा लग रहा था, मेरे को नहीं समझ आ रही ब्रो, और तानू लगा कि नहीं लगा तुझे स्पीकर पर ला के सुनना तानू फील होएगा, या तो इन्हें बड़े गाने च पोज लेने या कोई है मसला। लेकिन पहला ट्रैक वो भी एड्डा खतरनाक फायर पैन दी सीढ़ी हेडशॉट ही सुटिया इन्हें ब्रो, लगा रहा ब्रो तेरा भरा ही तेनों सानू कहता है कि लगा रहा मज़ेदार है, पर ब्रो रैपर है लिरिक्स मज़ेदार शाउट आउट, और वो जो है के एस सी ओ है ना वो मैं पता करना पड़ेगा की हिसाब किताब है ब्रो, अगर ओवरऑल मैं रिव्यू मारूँ ना इस गाने पे तो बहुत कमाल है, लिरिक्स मज़े के, और मज़ा आता है कि एक ही लिरिक्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, नए लिरिक्स थे मज़ेदार था उसका पहला ट्रैक है, उस ट्रैक है देसी वास तो पहला ट्रैक है उसका, उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा ब्रो, और मेरी उम्मीद है कि तेरे को भी जल्द अज जल्द कामयाबी मिले, लगा रही और कुछ तेरे ऊपर आएंगी चीज़ें, वो तेरे भाई ने तेरे को ज़्यादा देर से ज़्यादा समझा दिया होगा, तुझे खुद समझ होगी। बाकी यार मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, ओवरऑल अच्छा ट्रैक है मज़ेदार है, ये रिपीट पे लग सकता है, हाँ जी भाई क्यों नहीं लग सकता, बाकी हाजिर है भाई तेरा हाजिर है, मैं तो परेशान हो रहा हूँ यूनस ने जब मैंने वीडियो बनाई मजे की बात है पांचवें छोटे चौथे नंबर मेरा ट्रैक आ रहा है, उसने जब देख रहा है ना उसने कह रहा है ये बैन कर रहा सही नहीं होगा। तो खैर मैं तो आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे ब्रो, उम्र लगा रहा ब्रो, और मेरी दुआ है कि तेरे को जल्द से जल्द कामयाबी मिले, तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों यस कमांड।